आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मोहन भागवत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जीत हार की नज़र से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने देशवासियों से कोर्ट के फैसले का सम्मान करने का अनुरोध किया। भागवत ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले से वर्षों पुराने विवाद को खत्म किया है। भागवत ने कहा कि अयोध्या केस का मामला दशकों से चल रहा था और अब ये नतीजे पर पहुंच गया है। इस फैसले को जीत या हार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हम समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी लोगों के प्रयासों का स्वागत करते हैं। विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है। इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित सभी पहलुओं का बारीकी से विचार हुआ है। सभी पक्षों के द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से रखे हुए तर्कों का मूल्यांकन हुआ। धैर्यपूर्वक इस दीर्घ मंथन को चलाकर सत्य व न्याय को उजागर करने वाले सभी न्यायमूर्ति तथा सभी पक्षों के अधिवक्ताओं का हम शतशः धन्यवाद तथा अभिनंदन करते हैं। इस लंबे प्रयास में अनेक प्रकार से योगदान करने वाले सभी सहयोगियों व बलिदानियों का हम कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं। निर्णय स्वीकार करने की मनस्थिति, भाईचारा बनाए रखते हुए पूर्ण सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी स्तर पर व समाज के स्तर पर भी हुए सभी लोगों के प्रयास का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अत्यंत संयमपूर्वक न्याय की प्रतीक्षा करने वाली भारतीय जनता भी अभिनंदन की प्राप्त है, पात्र है। इस निर्णय को जय पराजय की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सत्य व न्याय के मंथन से प्राप्त निष्कर्ष को भारतवर्ष के संपूर्ण समाज की एकात्मता व बंधुता के परिपोषण करने वाले निर्णय के रूप में देखना व उपयोग में लाना चाहिए। संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध है कि विधि और संविधान की मर्यादा में रहकर संयमित और सात्विक रीति से अपने आनंद को व्यक्त करें। इस विवाद के समापन की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें।